साल 2023 सेहत के मैदान में नुमाया तब्दीलियां रोनमा। वजीर आला पंजाब की काविशों से मुल्तान में जेर इल्तवा कई मंसूबे मुकम्मल। चंद माह के दौरान अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स फाल हुए। 9 साल से ताखीर का शिकार इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का मंसूबा तकमील को पहुंचा। तमाम साल ही मेगा प्रोजेक्ट निश्तर 2 फेज 1 का आगाज हुआ। मुल्तान चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स अस्पताल में नई इमरजेंसी ब्लॉक भी शुरू किया गया। साल 2023 मुजफ्फरगढ़ के महकमा सेहत के लिए तब्दीलियों का साल। महकमा सेहत का कोई मेगा मंसूबा तो मुकम्मल ना हो सका, अलबत्ता सियासी खींचातानी के वजह से 9 बार CEO हेल्थ तब्दील हुए। अफसरान की बार बार तब्दीली से DHQ अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा इल्तवा का शिकार रहा। वजीर आला मोहसिन नकवी के एक्शन पर तरक्याती मंसूबों पर काम तेज हुआ। शहरियों का अस्पताल की अपग्रेडेशन का मंसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा। तालीमी मैदान में पाकिस्तान का बड़ा एजाज। कैंट पब्लिक स्कूल मुल्तान में प्रिंसिपल ने आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। बैंक ऑफ वेस्ट एशियन पर प्रिंसिपल के मुकाबले में बिनिश सईद ने बेहतरीन एशियन प्रिंसिपल का अवार्ड अपने नाम कर लिया। एशिया के 15 ममालिक से 2085 प्रिंसिपल्स ने मुकाबले में शिरकत की। आम इंतखाबात 2024 का दूसरा मरहला। जनूबी पंजाब की इंतखाबी पिच पर सियासी गहमागहमी उरूज पर। मुल्तान में कागजात नामजद की स्क्रूटनी का अमल जारी। हल्का PP 221 के 10 उम्मीदवार आज स्क्रूटनी के लिए पेश होंगे। रिटर्निंग अफसरान रिजवान सलीम कहते हैं पेश न होने की सूरत में उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद होंगे। कागजात की जाँच पड़ताल का सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुल्तान में न्यू ईयर नाइट के हवाले से तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। SSP इन्वेस्टिगेशन राना अशरफ की रोही से गुफ्तगू। कहा शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग जारी है। हुलड़बाजी और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बढ़ती महंगाई ने मजदूरों की कमर तोड़ कर रख दी। छपकला में दिहाड़ीदार और मजदूर तबके का जीना दुश्वार हो चुका। महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मजदूर के लिए मुश्किल बना दिया। मजदूरी के लिए घर से निकलने वाले मजदूर काम न मिलने से खाली हाथ लौटने पर मजबूर। कहते हैं रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया भी अब कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करके रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा। सर्दी आ गई मगर बिजली लोड शेडिंग का मसला जिले हल ना हो सका। लैया में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लोड शेडिंग के बाद शहरी दुकानदार मुश्किलात का शिकार। कारोबार तबाह होने लगे। ताजर बिरादरी का हुकूमत लोड शेडिंग पर काबू पाकर मसाइल कम करने की अपील। 4 प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में 700 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। रवा साल 690 गुमशुदा बच्चों को लवाहिकीन के हवाले से भी किया। ब्यूरो में लावारिस गुमशुदा और भीख मांगते 60 बच्चे ताहाल रिहाइश पजीर। और जनूबी पंजाब में धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया। मुल्तान डिजीफान रुझान और लोधरा समेत दीगर इलाके धुंध की लपेट में। हदेनी का इंतहाई कम होने से मोटरवे और दीगर शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने खुश सर्दी के साथ सुबह और रात के वक्त शदीद धुंध रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।